है जो है योग से निरोग। आपको बता दें कि कार्यक्रम में दो गुरुओं का मरीजों को संबोधन होगा, जहां रविशंकर महाराज और बाबा रामदेव करेंगे संवाद। आज 12 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जुड़ेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां योग से निरोग कार्यक्रम में आपको बता दें कि दो गुरुओं का आज मरीजों को संबोधन होगा, जहां रविशंकर महाराज और बाबा रामदेव संवाद करेंगे। 12 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जुड़ेंगे। इसमें तमाम तरह के किस तरह से योग से बड़ी से बड़ी बीमारी से राहत पाई जा सकती है, निजात पाया जा सकता है, उसके बारे में रविशंकर महाराज और बाबा रामदेव भी बताएंगे मरीजों को। तो योग से निरोग कार्यक्रम में दो गुरुओं का मरीजों को संबोधन, रविशंकर महाराज और बाबा रामदेव करेंगे सीधा संवाद। आज 12 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर अनन्या चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। अनन्या, शायद ये पहली बार हो रहा है जहां योग से निरोग कार्यक्रम में ऐसे बाबा रामदेव और रविशंकर प्रसाद मरीजों से संवाद करेंगे, तो किस तरह का संवाद यहाँ रहेगा? बिल्कुल, तो आपको बता दें यहाँ पर योग से निरोग आज कार्यक्रम के अंतर्गत COVID-19 में जो होम आइसोलेशन में लोग हैं, होम जो कोविड केयर में लोग हैं, कोविड सेंटर में जो लोग भर्ती हैं, उन सभी या फिर जो स्वस्थ हुए मरीज हैं उन्हें योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें और जो है योग गुरु रविशंकर जी और जो गुरु रामदेव बाबा जो है वो प्रशिक्षण देंगे, बात भी करेंगे। यहाँ पर जो लोग बताते हैं आपको, इससे पहले भी योग से निरोग जो कार्यक्रम है उसके बारे में सुन चुका था, उन्होंने कहा था लगातार ये कार्यक्रम जो है कोविड सेंटर्स में या फिर जो होम आइसोलेशन में उनके लिए प्रसारित किया जाता है। वहाँ पर योग गुरु जो है वो लोगों से संवाद करते हैं, उन्हें योग के महत्व बताते हैं। साथ ही फिलहाल में देखा जाए तो योग एकमात्र ऐसी चीज है जिससे आप अपने जो श्वास है उसको काबू पा सकते हैं और इसमें अपने फेफड़े जो है मजबूत कर सकते हैं। यानी कि घर में बैठे बैठे भी लोग जो है एक जगह बैठे बैठे भी बिना कुछ किए सब योग करके जो है अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। इस बात को लेकर जो है आज दोनों योग गुरु जो है रविशंकर जी हैं या फिर रामदेव बाबा जो है वो लोगों से संवाद करेंगे और ऐसे में लोगों को ये बताएंगे कि योग से निरोग जो कार्यक्रम है उसे किस तरीके से जोड़ा जाए और किस तरीके से जो है योग कर अपने आप को स्वस्थ बनाया जाए। क्योंकि जो लोग COVID-19 से फिलहाल लड़ रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी है और जो COVID-19 से निकल चुके हैं उनके लिए और ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो लोग फिलहाल में अस्पतालों में भर्ती हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग करें, लेकिन जो लोग COVID-19 से निकल गए हैं, जो होम आइसोलेशन में जो घर में हैं, उनके लिए भी ये बात जरूरी है। क्योंकि कोरोना से ठीक हुए मरीज जो है उनके फेफड़े जो है कमजोर हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इन सब बातों को लेकर जो है आज दोनों योग गुरु चलने वाले हैं। पहली बार है कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पर दोनों योग गुरु है वो लोगों से संवाद करें, मरीज से संवाद करें। ऐसे में जो है ऑनलाइन संवाद होगा और आज दोपहर 12 बजे जो 21 मई जो है दोपहर 12 बजे कार्यक्रम जो है हाथ किया जाएगा। इसमें सभी जो योग गुरु है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर सभी मरीज जुड़ेंगे और इसमें योग का महत्व बताएंगे, सभी ध्यान का महत्व बताएंगे। क्योंकि योग एकमात्र ऐसी चीज है जिससे आप अपने आप शांत भी कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हैं, साथ ही आप अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। बिल्कुल अनन्या, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो योग से निरोग कार्यक्रम में आज बाबा रामदेव और रविशंकर प्रसाद जुड़ेंगे, सीधा संवाद मरीजों से करेंगे जो कोरोना ग्रसित हैं। इसके साथ ही आज 12 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें जुड़ेंगे। सारे आपको बता दें कि 12 बजे कार्यक्रम रखा गया है, जहां योग से निरोग कार्यक्रम में दो गुरुओं का मरीजों को संबोधन होगा।